देश की राजधानी दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस के नेता उस समय आपस में उलझ कर रह गए जब दिल्ली इकाई की नेता अलका लांबा ने पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर गुप्त रणनीति का खुलासा कर दिया। अलका के इस गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर खबर यह है कि पार्टी आलाकमान अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नहीं की है। दरअसल बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली की रणनीति तय करने को लेकर बुधवार को 3 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा था कि बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी, दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। दिल्ली कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करने पर बात हुई थी। चर्चा यह हुई थी कि लोकसभा चुनाव के 7 महीने हैं और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। सभी सीटों पर हर नेता को आज से अभी से तैयारी करने की जरूरत है। संगठन की तरफ से जिसको जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है उसे हम निभाएंगे। मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना होगा। कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अलका लांबा का ये बयान आने के बाद सियासी घमासान मच गया। आम आदमी पार्टी ने भी तत्काल प्रतिक्रिया में कह दिया कि जब अकेले चुनाव लड़ने की बात है तो फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया का क्या मतलब। सहयोगी दलों का प्रतिक्रिया आने के बाद कांग्रेस के नेता सकते में आ गए हैं। इसकी वजह से कांग्रेस की बैठक में जो बातें हुई थी वो पार्टी का आंतरिक मामला था, जिसे अलका लांबा द्वारा पब्लिक डोमेन में लाने की वजह से पार्टी की किरकिरी हुई। यही वजह है कि अब अलका लांबा के खिलाफ पार्टी की ओर से कार्रवाई करने के संकेत मिले हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से किसी नेता ने भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है।